मुख्यमंत्री हो सकते हैं आने वाले समय के लिए, क्योंकि कांग्रेस के प्रेसिडेंट है और जो भी कांग्रेस का प्रेसिडेंट होता है वो अक्सर मुख्यमंत्री बनता है। आपको ऐसा नहीं लगता कि मैं भी हो सकता हूँ? बिल्कुल हो सकते हैं। मेरे कहने का मतलब तो ये मान लिया जाए कि राजा बड़िंग अगले मुख्यमंत्री कांग्रेस का चेहरा हो सकते हैं। आप ऐसी बात कहेंगे तो मेरे को, आपको पता है नहीं, नहीं, आप ये बताए ना कि जो दिल की बात है वो जुबान पे आ गई। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल जो हाँ एक आम साधारण परिवार का व्यक्ति जिसका पॉलिटिकल कैरियर जो मैं आई एम नॉट बिलोंग टू एनी पॉलिटिकल। नहीं नहीं, चरणजीत सिंह भी कहते हैं कि सर सुनिए, मेरा बाप सरपंच भी नहीं था, मेरा दादा कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं था। मैंने अपने घर से अपने आप पॉलिटिक्स शुरू की। मैं दरियाँ बिछाकर पोस्टर चिपकाकर मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। हमारे घर में कोई मेंबर पंचायत भी नहीं था, लेकिन इसके बाद मैं कैबिनेट मंत्री बन गया। इससे ज़्यादा मेरे को कुछ चाहिए नहीं। कोई देगा तो मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। कल को कोई मेरे को कोई चीज बनाए तो मैं छोड़ूंगा नहीं, बट आई एम मोर देन सेटिस्फाइड। तो आप ये कह सकते हैं कि आप भी कैंडिडेट हैं, कह लिया जाए कि कैंडिडेट हैं मुख्यमंत्री के, क्योंकि लगातार ही लोगों की आप सेवा भी कर रहे हो। अब विशाल भाई, कहने में क्या भाई, देखो आप, मैं ऑडियंस को बताना चाहता हूं, मेरे से हमेशा विशाल जी एक सवाल पूछते थे। मैं 4.5 साल इंतजार करता रहा कि मैं मंत्री बनूंगा। इन्होंने हमेशा मेरे से सवाल पूछना, क्या इस बार बन रहे हो? मैंने कहा कि मेरी तो 4.5 साल से इच्छा है। मैं चलो मंत्री बनते बनते झूठ क्यों बोलूं? मैं अब भी कह रहा हूं कि बंदे की इच्छाएं तो रहती हैं, सपने तो रहते हैं, लेकिन जहां तक मैं पहुंच चुका हूं आई एम मोर देन सेटिस्फाइड। आगे अगर ऐसा कहीं मौका मिला तो कौन छोड़ने वाला है, लेकिन मैं सेटिस्फाइड हूं। जहां तक आपने सिद्धू साहब की बात कही, सिद्धू साहब ऐसे डायनेमिक लीडर है हमारे पास, उनकी पूरे पूरे देश में बात है, लोग उनकी बात करते हैं, लोग उनको सुनना चाहते हैं, लोग ये कहते हैं कि ये सच्ची बात करते हैं, बेशक अपनों के खिलाफ हो उनके खिलाफ भी बोल देते हैं, बिना किसी पद की परवाह किए हुए, बिना किसी पोस्ट की परवाह किए हुए। तो मैं समझता हूं कि सिद्धू साहब और चन्नी साहब का जो दोनों का आपस का मेल होगा, ये पंजाब की बेहतरी के लिए होगा और जनता की बेहतरी के लिए। और